अल्लाह पाक हमारे घर पे भी भेज दे, वे उमरा करके आए तो। आमीन आमीन आमीन, हमारा घर आबाद हो जाए। आमीन आमीन आमीन। चले बदरुन साहब, आप हौसला रखें इंशाल्लाह, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल, बीवी के लिए ना जुलम करे, बीवी बच्चे को भी हक रखे, माँ बहन को भी रखे। शुरू से फ्रेश से इसमें पैटिस है, और इसमें क्या है, इसमें क्लब सैंडविच है, और इसमें हाजरा और फातिमा ने भी जो है मेरी मदद की है अंदर लाने में। इसमें इसमें है पूरा खुलेगा, देखो टेप लगी हुई। हाँ प्लीज, आप रॉबिन हुड आर्मी और पाई इन द स्काई, इनकी जो बेकरी है, हाजरा ने थोड़ी हेल्प किया। हाँ, 10 ज़ईफ़ माएँ हैं जो कि उम्र की सादत हासिल करेंगी तकरीबन 10 या 11 फरवरी इंशाल्लाह हमारी रवानगी का है। आप वहाँ जा के जो हमारे खाने के जो खर्चात हैं उसमें भी आप मदद कर सकते हैं। इन आखिरी दिनों में आप हमें रियाल दे सकते हैं जिसमें हम दोपहर का और रात के खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं इन माओ के लिए। कैसे हैं सब? ठीक है, खैर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जो है रॉबिन हुड आर्मी और पाई इन द स्काई की तरफ से जो है ये आज जबरदस्ती जो है ये रखी गई है हाई टी स्पेशली चाय के लिए। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड भाई दिखाइएगा जरा। जी ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महंगे महंगे जो होटल होते हैं, जो कैफ़े होते हैं, वहाँ से खाना लेके यहाँ पर हमारे यहाँ भिजवाते हैं अच्छा अच्छा वाला। मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या आया है। इसमें पैटिस है, बड़े खूबसूरत से फ्रेश से इसमें पैटिस है, और इसमें क्या है, इसमें क्लब सैंडविच है, और इसमें हाजरा और फातिमा ने भी जो है मेरी मदद की है अंदर लाने में। इसमें इसमें है पूरा खुलेगा, देखो टेप लगी हुई। हाँ प्लीज, आप रॉबिन हुड आर्मी और पाई इन द स्काई, इनकी जो बेकरी है, हाजरा ने थोड़ी हेल्प किया। हाँ, इस पे केक रस है। आमीन आमीन। और क्या, हाँ ये केक है, स्वीट केक है। इसमें क्या है, इसमें भी केक रस है, इसमें भी पार्ट है। हाँ इसमें भी केक है। तो बस ये सिलसिला है माशाल्लाह चाय के लिए। और आमीन आमीन आमीन। तो आप सब लोग प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, रॉबिन हुड आर्मी और जो है पाई इन द स्काई, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बेइंतहा बरकत दे। और अभी चूँकि चाय का टाइम भी हो गया, हाँ ज़बरदस्त, ये भी चाय का टाइम भी हो गया। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? मुझे बताएं, दिन कम है उम्रे पे जाने पे, अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा सही, अल्लाह आपको भी भेजे, पूरी दुनिया को भेजे अल्लाह। आमीन आमीन। अच्छा बदरुन साहब, अच्छा रोते नहीं है आप, देखिए अल्लाह के घर जा रही हैं, हैं अल्लाह के कितने खास लोग होते हैं। अल्लाह के घर तो अल्लाह, गरीब अमीर फकीर इंसान तो एक है, सब कब्र भी एक है सबके लिए, लेकिन अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और उम्मीद साथ रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा चले, भाई भाइयों को बहनों को अल्लाह देखे, ऐसे भाई ना हो गए कि परेशान करे झूठा झूठा भाई। एक ही सब में खड़े हो है ना लबक, बाकी एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद दयाल ना कोई बंदा रहा ना बंदर, बस उसकी शान है बेनियाज बादशाह। सही बात है आपको। अच्छा चलें, जजाक वो तो बेपरवाह बादशाह है अल्लाह। बेशक बेशक, आप देखो ना, आप कितने अजीज हैं, आप कितने अच्छे हैं कि आपको अल्लाह ताला जो है अपने अपने घर पे बुला रहा है। इससे बढ़ के और क्या होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र करो रो एहसान है, ये तो उसका एहसान है बहुत बड़ा कि हमको बुला रहा है। बेशक 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 बेशक। कितने लोग हैं आपको पता है, कितने लोग हैं जो अरबों पति हैं, करोड़ों पति हैं, पर उनका बुलावा नहीं है। मैं कई ऐसे जो सऊदीया में अक्सर ऐसे लोग रहते हैं, और वहाँ के लोग अक्सर बताते हैं कि उन लोगों को भी जो है बुलावा नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से होता है तो कोई, वही आप वाली बात, कोई अमीर कोई गरीब कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के दरबार में जो है वो हाज़िरी लग जाती है। तो आप माशाल्लाह अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे हैं, बड़ी प्यारी माँ है अल्लाह की, जो है अल्लाह ताला आपको अपने दरबार में बुला रहा है। ठीक है, रोइए नहीं रोइए नहीं रोइए नहीं रोइए नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करे, मेरी बहन को भी अल्लाह कुछ रखे ज्यादा दे दे, अल्लाह पाक हमारे घर पे भी भेज दे, वे उमरा करके आए तो। आमीन आमीन आमीन। हमारा घर आबाद हो जाए। आमीन आमीन आमीन। चले बदरुन साहब, आप हौसला रखें इंशाल्लाह, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल, बीवी के लिए ना जुलम करे, बीवी बच्चे को भी हक रखे, माँ बहनों को भी रखे,
सबका हर कोई का रखे, दुनिया वालों को भी रखे, सबसे रखे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक इन्हें को हिदायत देवे, नहीं तंग ना करे। आमीन आमीन। बस जी मैं यही कहूँगा जाते जाते, प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिनते फातिमा ओल्ड होम की उम्र के इस हिस्से में 10 ज़ईफ़ माएँ हैं जो कि उम्र की सादत हासिल करेंगी। तकरीबन 10 या 11 फरवरी इंशाल्लाह हमारी रवानगी का है। आप वहाँ जा के जो हमारे खाने के जो खराजात हैं उसमें भी आप मदद कर सकते हैं। इन आखिरी दिनों में आप हमें रियाल दे सकते हैं जिसमें हम दोपहर का और रात के खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं इन माओं के लिए। और अल्लाह ताला आपको इसका ढेरों अजर देगा। आप इस नंबर पर रابطہ भी कर सकते हैं 03212070463। बिनते फातिमा ओल्ड होम से 10 ज़ईफ़ माएँ हैं जो कि इंशाल्लाह फरवरी 2022 में उम्र की सादत हासिल करेंगी। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जजाकल्ला जजाकल्ला खैर।